हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली फ्रॉम द चैनल बी प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट। आज का जो टॉपिक है मेरी वीडियो का वो है प्रोसेस ऑफ रिसर्च। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड का। पेपर वन की अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं तो रिसर्च एप्टीट्यूड जो यूनिट है उसके अंदर से एक क्वेश्चन जो है प्रोसेस ऑफ रिसर्च का 101% आपका पेपर में आता ही आता है। ठीक है, तो आज मैं इसलिए ये टॉपिक जो आपको करवाने जा रही हूँ प्रोसेस ऑफ रिसर्च का मतलब क्या है कि अगर कोई रिसर्चर रिसर्च करना चाहता है तो उसको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, इसके लिए ये सब इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। ये एट स्टेप्स होते हैं इसको एक रिसर्च को करने के लिए। रिसर्च जो है ये स्टेप्स जो है वो सारे अनबायस्ड वे से करने चाहिए। डैट मीन्स हमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो रिसर्चर है उसके मन में किसी भी पॉइंट को लेकर बायसनेस नहीं होनी चाहिए। जो ओरिजिनल उसका रिजल्ट निकलेगा उसी हिसाब से उसको सारे रिसर्च के प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। ओके, तो ये उसकी होती है मेन बात। अब हम इसका फर्स्ट स्टेप करते हैं जो कि है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें रिसर्च की प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना होता है। एक रिसर्चर के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेप होता है कि हमें रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना होता है कि हम ये रिसर्च किस प्रॉब्लम पर किस इश्यू पर कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोकसिंग ऑन सेलेक्टिंग एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले जो रिसर्चर है वो अपने इंटरेस्ट जिस एरिया में है उसके ऊपर फोकस करेगा और उसी एरिया को सिलेक्ट करेगा जिसमें उसका इंटरेस्ट है। ठीक है, दैट मीन्स रिसर्चर को रिसर्च उसी टॉपिक पे करनी चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू से क्या मतलब है कि अगर उसी इंटरेस्ट जो एरिया का इंटरेस्ट था, डेट मीन्स अगर हम स्टडी करना चाहते हैं स्टूडेंट्स के स्ट्रेस लेवल को, स्टूडेंट्स के स्ट्रेस को, तो इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स के स्ट्रेस के टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमारे रिसर्च पहले से हुई है उन्हें भी स्टडी करना पड़ेगा कि पहले से क्या क्या रिसर्च हुई है, किसने की है, उसका क्या रिजल्ट निकला, क्या क्या मेथड उन्होंने यूज किए, तो ये सब कुछ लिटरेचर रिव्यू में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है टॉप पॉइंट इसके अंदर फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। जब हमारा रिसर्च प्रॉब्लम सेट हो जाए तो फिर हम अपने रिसर्च को करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसे फॉर्मुलेट करेंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव जो है ये टू द पॉइंट होने चाहिए, क्लियर वे होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। और ऑब्जेक्टिव्स और कुछ सब ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं वो भी हमें बताने चाहिए कि हमारे बाकी वो भी हमें फॉर्मुलेट कर लेने चाहिए कि सब ऑब्जेक्टिव्स क्या है और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे रिसर्च के लिए। नेक्स्ट आ जाता है आइडेंटिफाई रिसर्च वेरिएबल्स। रिसर्च वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना, डैट मीन्स हम रिसर्च किसके लिए कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया कि हम स्टूडेंट्स के स्ट्रेस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और हमने दूसरा वेरिएबल ले लिया कि स्टूडेंट्स का स्ट्रेस लेवल से हमारी परफॉर्मेंस कैसे जो है हमारी परफॉर्मेंस कैसे इफेक्ट होता है हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर, स्टूडेंट का स्ट्रेस लेवल का उसकी परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट होता है, हम ये स्टडी कर रहे हैं। तो हमारे रिसर्च के वेरिएबल्स क्या होंगे, एक तो स्टूडेंट्स का स्ट्रेस लेवल और एक उनकी परफॉर्मेंस। ठीक है, तो हमें वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से दो वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप इसके अंदर फाइंड आउट करना चाहते हैं। फिर वो रिलेशन वो रिसर्च जो वेरिएबल्स हैं उसमें ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है। दैट मीन्स एक वेरिएबल जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। दैट मीन्स अब रिसर्च जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है वो स्टूडेंट की स्ट्रेस लेवल के ऊपर डिपेंड करती है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। और इसलिए जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता बल्कि उसके ऊपर कुछ वेरिएबल्स जो है डिपेंड होते हैं। दैट मीन्स हमारे जो एग्जांपल के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो गया, रिसर्चर की हमारी परफॉर्मेंस स्ट्रेस लेवल जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारी परफॉर्मेंस है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारी स्ट्रेस लेवल है हमारे एग्जांपल के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं इसका जो कि है प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन प्रिपेयर करना, रिसर्च डिजाइन का प्रिपेयर करना, डेट मीन्स डिजाइन होता क्या है। पहली बात, रिसर्च डिजाइन ये एक ब्लूप्रिंट होता है या रोड मैप होता है जिसके थ्रू हम रिसर्च को करते हैं। दैट मीन्स ये एक तरह से मैप बताता है, एक नक्शा हमें बता देता है कि हमें किस किस पॉइंट पर चलकर पूरी रिसर्च को कंप्लीट करना है।
ठीक है, तो हमें एक रोड मैप तैयार करना पड़ता है सेकंड स्टेप के अंदर। इसके अंदर सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को स्ट्रक्चरल वे में लिखना पड़ता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, उसे स्ट्रक्चर वे में दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है डिसाइड द टाइप ऑफ रिसर्च। फिर हम जो टॉपिक हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, दैट मींस हम स्टूडेंट्स के स्ट्रेस और उसके परफॉर्मेंस लेवल को इवेल्युएट कर रहे थे कि इनका क्या इफेक्ट है एक दूसरे के ऊपर, तो इसके ऊपर कौन सी टाइप ऑफ रिसर्च जो है वो सेट बैठेगी। जो भी मैंने टाइप्स ऑफ रिसर्च कराए थे आपको वीडियो मिल जाएगी, तो उस टाइप में से कौन सा इसके ऊपर जो है बिल्कुल जो है सेट बैठती है, तो वो अपने टाइप ऑफ रिसर्च जो है डिसाइड की जाएगी कि हम कौन सी रिसर्च टाइप करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है डिसाइड द मेथड बाय विच रिसर्च इज डन। फिर मेथड डिसाइड किया जाएगा कि रिसर्च जो है किस मेथड के थ्रू की जाए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिसाइड द सैंपल साइज। फिर सैंपल का साइज डिसाइड किया जाएगा कि सैंपल जो है वो किस साइज का हो, हमारी पॉपुलेशन कैसी है, ये उसके ऊपर डिसाइड होता है। हमारी पॉपुलेशन जो है पूरी यूनिवर्स की, या दैट मीन्स हम जिसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं अगर हम उसको ऑल ओवर देखें, अगर वो बहुत ज्यादा सिमिलर है एक दूसरे से फिर तो छोटा सैंपल साइज भी सही रहेगा, और अगर वो बहुत ज्यादा वेरी करते हैं एक दूसरे से, दैट मीन्स हिटरोजीनियस पॉपुलेशन जिसको हम बोलते हैं, अगर वो ऐसी है कि वो बहुत ज्यादा वेरी करती है एक दूसरे से, फिर हमारा सैंपल साइज जो है वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम रिसर्च डिजाइन के अंदर सैंपल साइज डिसाइड करेंगे कि हमें कितना लेना है। नेक्स्ट आ जाता है डिसाइड सैंपल आइटम्स फ्रॉम विच डाटा इज कलेक्टेड, कि हमने डाटा कलेक्ट किससे करना है, फिर हम सैंपल आइटम्स को डिसाइड करेंगे कि वो कौन कौन सी आइटम्स होंगी, ठीक है, कि किन किन लोगों से या किन किन आइटम्स को हमने जो है सिलेक्ट करना है, उन्हीं से हमें सारा सैंपल उठाना है, ठीक है। नेक्स्ट रहता है डिसाइड हाउ टू कलेक्ट द डाटा। फिर हमें ये डिसाइड करना है कि डाटा को कलेक्ट कैसे किया जाएगा, ठीक है, बाय द वे ऑफ कौन से मेथड से कलेक्ट करें, क्वेश्चनियर, सर्वे, बहुत तरह के मेथड होते हैं, तो हमें डाटा कलेक्शन का कौन सा मेथड यूज करना है, कैसे उसको कलेक्ट करना है, वो सब कुछ रिसर्च डिजाइन के अंदर तैयार कर लिया जाता है। फिर आ जाता है हाउ टू एनालाइज द रिसर्च, दैट मीन्स रिसर्च के डाटा को एनालाइज कैसे किया जाएगा। फिर ये भी जो है सब कुछ जो है ए टू जेड जो भी रोड मैप है हमारा डाटा रिसर्च की टाइप से प्रॉब्लम से लेकर उसको डाटा को एनालाइज करने तक, ये सब कुछ जो है रिसर्च डिजाइन के अंदर पहले से तैयार कर लिया जाता है कि क्या क्या रिसर्च डिजाइन के अंदर हमने करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आ जाता है वो है स्टेप थ्री, डिवेलपिंग डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स। डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स डिवेलप करना, इसका मतलब क्या है कि हम डाटा कलेक्ट किन किन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू करेंगे, वो सब कुछ हम डिवेलप करते हैं। दैट मीन्स टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्टेड, पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें डाटा किस तरह का चाहिए, क्वालिटेटिव डाटा चाहिए, क्वांटिटेटिव डाटा चाहिए, कई तरह के प्राइमरी डाटा चाहिए, सेकेंडरी डाटा चाहिए, कई तरह के डाटा टाइप्स होते हैं, तो हम इन डाटा टाइप्स में से कौन से टाइप का डाटा जो है हमारे रिसर्च के लिए जरूरी है पहले वो हम देखेंगे कि वो उस टाइप्स को कलेक्ट करेंगे। फिर आ जाता है डाटा कलेक्टेड का टाइप देखेंगे। फिर आ जाता है सेकंड स्टेप हमारा मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन का मेथड क्या है, डेट मीन्स हम डाटा को कलेक्ट कैसे करेंगे, डेट मीन्स हम ऑब्जर्वेशन करेंगे या सर्वे करेंगे जाके, या कॉन्टैक्ट मेथड अपनाएंगे। कॉन्टैक्ट मेथड डेट मीन्स कि हम उनको ईमेल के थ्रू या टेलीफोन के थ्रू या उनसे पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू हम कैसे उनसे डाटा जो है लोगों से कलेक्ट करेंगे, तो ये हमारा हो जाता है डाटा कलेक्शन के मेथड्स कौन कौन से होते हैं। फिर इसके अंदर ये भी डिसाइड किया जाता है कि रिसर्च के हमारे टूल्स क्या क्या होंगे, डेट मीन्स हम उनसे क्वेश्चनेयर के थ्रू जो है उनसे क्वेश्चन पुट करेंगे, या शेड्यूल्स के थ्रू, या सर्वे करेंगे, या इंटरव्यूज करेंगे, तो ये सब कुछ रिसर्च टूल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप फोर आ जाता है वो है सिलेक्टिंग सैंपल्स। स्टेप फोर इज सिलेक्टिंग सैंपल्स। सिलेक्टिंग सैंपल्स के अंदर क्या है, सबसे पहले हम डिटरमाइन करते हैं और सिलेक्ट करते हैं सैंपल्स कि हमारे सैंपल्स क्या है और उनके बीच में से कैसे हम सिलेक्ट करेंगे, ये डिसाइड किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। डिटरमाइन सैंपल साइज, फिर हम सैंपल के साइज को वो जो है डिटरमाइन करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया कि वो नेचर कैसा है हमारी पॉपुलेशन का उसके ऊपर डिपेंड करता है, कि अगर होमोजीनियस पॉपुलेशन है डेट मीन्स सैंपल साइज छोटा भी बहुत है, थोड़ा सैंपल साइज भी जो है ठीक है, और अगर हेटरोजीनियस पॉपुलेशन है तो सैंपल साइज जो है वो बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है डिसीजन शुड बी टेकन, इसके लिए डिसीजन लिया जाता है अबाउट विच टाइप ऑफ सैंपलिंग टेक्निक इज यूज शुड बी फॉलो फॉर डाटा कलेक्शन, कौन सी सैंपलिंग टेक्निक जो है वो डाटा कलेक्शन के लिए यूज की जाए।
सैम्पलिंग टेक्निक्स के कई तरह के टाइप्स की होती है, ये प्रोबेबिलिटी रैंडम सैम्पलिंग मेथड भी होते हैं और नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड भी होते हैं। फिर रैंडम और नॉन रैंडम के अंदर भी काफी जो है टाइप्स जो है सैम्पलिंग के आ जाते हैं। ये जो है आपका क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सैम्पलिंग के किसी भी टाइप के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके लिए मैं वीडियो मैं आपके लिए जल्दी बनाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट रहता है स्टेप 5 जो है राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल। राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल का मतलब क्या है, रिसर्च प्रपोजल तैयार किया जाता है। रिसर्च प्रपोजल होता क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट है 3 to 7 पेजेस का, ओके। देन इट इज अ डॉक्यूमेंट, ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जो रिसर्चर के द्वारा लिखा जाता है। रिसर्चर इसे लिखता है और इसलिए लिखता है फॉर प्रोवाइडिंग डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट द प्रपोज्ड रिसर्च, कि रिसर्च का जो प्रपोजल है उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करने के लिए रिसर्चर जो है इसे लिखता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेन एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन इट आर, जो मेन एलिमेंट्स है जो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं रिसर्च प्रपोजल के अंदर, वो कौन कौन से हैं। नीड, दैट मीन्स हम क्या क्या बताते हैं, एक रिसर्चर क्या क्या बताता है रिसर्च प्रपोजल के अंदर, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, वो है नीड, कि हमारे रिसर्च करने की जरूरत क्या है, रिसर्च की नीड क्या है। नेक्स्ट आ जाता है बेनिफिट या बेनिफिशरीज, दैट मीन्स हमारी जो रिसर्च है उसका क्या बेनिफिट होने वाला है और उसके क्या कौन कौन बेनिफिशरीज होंगे, मतलब किन किन को फायदा मिलेगा और क्या फायदा मिलेगा, ठीक है। फिर आ गया डाटा टाइप कलेक्टेड, फिर हमने जो डाटा टाइप कलेक्ट किया है, प्राइमरी डाटा लिया है, सेकेंडरी लिया है, जिस भी तरह का डाटा टाइप लिया है उस वो जो बताया जाएगा कि हमने डाटा टाइप कैसा लिया है। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ एनालिसिस, टाइप्स ऑफ एनालिसिस में कि एनालिसिस के कौन से टाइप्स को जो है टाइप हम एनालाइज कैसे करेंगे डाटा को, कौन सा टाइप जो है एनालिसिस के लिए यूज करेंगे, तो वो सब इसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट आता है रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स, कि हमें कितने फंड्स की जरूरत हुई थी, या हमारा जो स्पॉन्सर्स हैं वो कौन है, ये सब डाटा जो है, ये सब इंफॉर्मेशन जो है वो रिसर्च प्रपोजल के अंदर दी जाती है और स्टेप 4 में इसी रिसर्च प्रपोजल को लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्टेप 5, नेक्स्ट आ जाता है कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। स्टेप 6 है ये कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब क्या है, हमारा डाटा को कलेक्ट कैसे किया जाएगा, एक या एक से ज्यादा तरीकों से डाटा को कलेक्ट किया जाता है। दैट मीन्स बाय ऑब्जर्वेशन किया जाएगा डाटा को कलेक्ट, कि ऑब्जर्वेशन हम डाटा को कैसे कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, या तो एक इनमें से एक कोई तरीका अपना लें या एक से ज्यादा वेज भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहला आता है बाय ऑब्जर्वेशन, कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू, डेट मीन्स टेलीफोन के थ्रू इंटरव्यू लिया जाता है, लोगों से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो ये टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है। मेल्ड क्वेश्चन क्या होता है, डेट मीन्स हम ईमेल के थ्रू पर्सन को क्वेश्चन भेज देते हैं और फिर वो क्वेश्चन का आंसर जो है पुटअप करके फिर हमें वो बैक वापस भेज देता है, जो हमारा जिसको भी हमने पार्टिसिपेंट को हमने क्वेश्चनियर सेंड किया तो वो हमें आंसर जो है ईमेल के थ्रू ही वापस आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है शेड्यूल्स, शेड्यूल्स क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चनियर की तरह होते हैं, बट क्वेश्चनियर जो है वो हम डायरेक्ट उस पर्सन को पकड़ा देते हैं कि आप इन क्वेश्चनियर को फिलअप करके हमें आंसर दे दो, बट शेड्यूल में क्या होता है कि रिसर्चर या जो भी इसे जो है ले रहा है शेड्यूल्स के थ्रू डाटा कलेक्ट कर रहा है, वो क्या करेगा कि क्वेश्चनेयर को अपने हाथ में रखेगा और लोगों से उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछेगा और उन्हें क्वेश्चन को समझाएगा भी, और फिर जो वो आंसर देंगे उसे नोट डाउन खुद ही करेगा। तो ये होते हैं शेड्यूल्स। तो इन किस मेथड के थ्रू डाटा को कलेक्ट करें, जो भी ये मेथड है इनमें से किसी भी मेथड का यूज करके वो डाटा को कलेक्ट करेगा इस स्टेप के अंदर। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहता है वो है 7, जो कि है प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डाटा, डाटा को प्रोसेस करना और एनालाइज करना। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले एडिटिंग एंड कोडिंग ऑफ डाटा, डाटा की एडिटिंग की जाती है, दैट मींस इस डाटा की क्वालिटी को इंप्रूव किया जाता है, कोई एरर है, कोई गलत कैलकुलेशन कर दी, कोई कमी है हमारे डाटा के अंदर, तो उसे जो है एडिट करके ठीक किया जाता है। कोडिंग में उसको मतलब कोड वाइज जिससे लोगों को समझ आ जाए ऐसे कोड प्रोवाइड करके उन्हें जो है डाटा को समझाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, फिर डाटा को क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफिकेशन हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं,
मतलब अलग अलग वे में बस पूरे डाटा को बांट दिया जाता है, पूरे फुल फ्लैश में नहीं रखते हैं। फुल फ्लैश में रखेंगे तो डाटा को स्टडी करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाता है टैबुलेशन की जाती है डाटा की, डेट मीन्स डाटा को एक टेबल फॉर्म में डाला जाता है ताकि वो इजिली स्टडी हो सके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एनालिसिस ऑफ डाटा बाय यूजिंग डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेजर, अलग अलग तरह के मेजर्स यूज करके डाटा को एनालाइज किया जाता है इसके अंदर, इसी स्टेप के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जाती है। हाइपोथेसिस क्या होता है, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिससे हमें पता चलता है कि हमारी रिसर्च हम किस टॉपिक पे कर रहे हैं। हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट होती है जो एक रिसर्चर को प्रूव करना चाहता है, ठीक है। हाइपोथेसिस दो तरह के होते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस जो है, अगर हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट नहीं होता तो डेट मीन्स हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो चुका है, इसका मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट होगा। इसी तरह से हम नल हाइपोथेसिस को H0 से शो करते हैं और H1 से हम डिनोट करते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। तो ये सब कुछ हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर आ जाता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर भी अगर आप चाहेंगे तो वीडियो बनाएंगे हम। नेक्स्ट आ जाता है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का क्या मतलब है कि ऑल ओवर सब कुछ कर, जो स्टडी करके हाइपोथेसिस टेस्ट करके फिर उसके ऊपर कंक्लूजन देना या उसको जनरलाइज करना या किसी तरह की थ्योरी उसके अंदर बनाना, तो ये सब कुछ आ जाता है प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ डाटा। अब यहाँ पर हमारी रिसर्च वर्क तो खत्म हो गया सारा का सारा, तो स्टेप 8 के अंदर क्या रह गया, स्टेप 8 है हमारा राइटिंग ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट को लिखना, रिसर्च रिपोर्ट को लिखना जो है ये बहुत जरूरी आइटम है। हमने सारी रिसर्च को कर लिया, अब उसे राइट डाउन कैसे करेंगे, एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करेंगे, वो सब कुछ जो है स्टेप के अंदर किया जाता है। ये लास्ट और मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप है हमारे रिसर्च का, इसे प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर लिखा जाता है। इसके लिए वीडियो जो मैं आपको पहले से दे चुकी हूँ, पूरी डिटेल वीडियो है, बहुत ही अच्छी वीडियो है, सब कुछ उसके अंदर राइटिंग से रिलेटेड आ चुका है, ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए आप वो जो वीडियो है उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या फॉर्मेट यूज किया जाता है रिसर्च रिपोर्ट के लिए, सबसे पहले टाइटल पेज लिखा जाता है, सबसे पहले टाइटल पेज होता है, नेक्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट दिए जाते हैं, फिर लिस्ट ऑफ टेबल्स दिए जाते हैं, लिस्ट ऑफ फिगर्स दी जाती है कि कौन कौन सी फिगर्स हमने इंक्लूड किए हैं, फिर एक्नॉलेजमेंट किया जाता है, जिससे भी हमें रिसर्च के अंदर किसी भी तरह की हेल्प की है तो उन्हें एक्नॉलेज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है रिकमेंडेशंस, अगर किसी पर्सन की कोई रिकमेंडेशन है दैट मींस हमारी जो रिसर्चर की कुछ रिकमेंड कर रहा है वो, ठीक है, रिकमेंड कर रहा है दैट मींस कुछ ना कुछ बता रहा है कि हमारे रिसर्च का जो रिजल्ट है वो ऐसा आया है, तो इस हिसाब से किसी ना किसी को रिकमेंड कर देता है कि आपको इस तरह से स्टेप्स जो है लेने चाहिए, क्योंकि जो एक्चुअल है हमारे रिसर्च का रिजल्ट ऐसा आया, तो रिकमेंडेशन देता है वो एक्चुअल उसके अंदर कि ये रिकमेंडेशन है मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आ जाता है सजेशन फॉर फर्दर रिसर्च, फिर कोई फर्दर रिसर्च अगर होनी चाहिए जो है उसके ऊपर सजेशन प्रोवाइड करता है रिसर्चर। ये एक हम कह सकते हैं ऑनेस्ट स्टेप होता है, क्योंकि ये खुद बताता है इसके अंदर रिसर्चर कि मेरे रिसर्च में ये कमियां हैं और इसके ऊपर फर्दर रिसर्च जो है इस टॉपिक के ऊपर हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी, कि हमने डाटा किससे लिया है, हमने कौन कौन सी बुक्स रेफर किए हैं, हमने कौन सी जर्नल, कौन से आर्टिकल को स्टडी किया है, कौन सी रिसर्च को स्टडी किया है, ये सब कुछ जो है वो लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी में आ जाता है। और लास्ट स्टेप है अपेंडिसेस या अपेंडिक्स भी इसको बोला जाता है। ये क्या है, ये एक सप्लीमेंट्री का काम करते हैं, डेट मीन्स रिसर्च की सहायक की तरह काम करते हैं, हेल्पर की तरह काम करते हैं। ये क्या होते हैं, जैसे कि हमने अपने रिसर्च को करने के लिए जो भी टूल्स यूज किए थे, जैसे कि हमने इंटरव्यू शेड्यूल यूज किए हैं या क्वेश्चनेयर तैयार किए हैं, या हम किसी भी तरह से डाटा को कंडक्ट रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए हम कोई भी टूल्स का यूज कर रहे हैं, वो सब कुछ जो है वो अपेंडिसेस में आ जाता है। लास्ट में अपेंडिसेस दिए जाते हैं कि हमने इस क्वेश्चनेयर का यूज किया है या हमने इंटरव्यू लेके लोगों से ये क्वेश्चन जो है पुट किया था। तो ये है हमारे सारे 8 to 8 स्टेप्स जो भी है रिसर्च के, ये स्टेप्स जो है इसके ऊपर क्वेश्चन जो है या तो आपको क्रोनिकल ऑर्डर में इसको डालो कि कौन सा स्टेप जो है फर्स्ट है, कौन सा स्टेप लास्ट है, ऐसे आ जाता है, या ये आ जाता है कि आपके जो रिसर्च के स्टेप है उसके अंदर, जैसे ये आ गया
कि रिसर्च रिपोर्ट जो है उसको कब तैयार किया जाता है, ये लास्ट स्टेप होता है, तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, या कौन से हेड, कौन से स्टेप के अंदर कौन सा जो है काम किया जाता है, रिसर्च डिजाइन कब तैयार किया जाता है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपका आ जाता है। और मैंने आपको जो भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट था, जितना भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा हाइपोथेसिस के ऊपर एक जो वीडियो है इसके ऊपर रेडी हो सकती है, क्योंकि वो डिटेल वीडियो है, तो उसे अलग से किया जा सकता है, तो उसके ऊपर अगर हम जरूरत पड़ी तो करेंगे वीडियो, ठीक है। तो ये थी मेरी वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक बटन को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैं वीडियो दे रही हूँ वो आपको वीडियो मिलती रहे। और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो का जो भी मैंने मैटर आपको स्टडी करवाया है, इसका पीडीएफ का लिंक अगर आप चाहें तो आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके पीडीएफ का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे।